नमस्कार, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खबरी मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल में वाहनों को टैंक फुल कराने पर मुफ्त पीयूसी। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जो चार पहिया वाहन ईंधन फुल टैंक कराएगा उसका मुफ्त में पीयूसी होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल शहर के बिगड़ते एक्यूआई स्तर को देखते हुए एवं उसमें सुधार के लिए कदम उठाते हुए प्रशासन, आरटीओ, पॉल्यूशन कंट्रोल एवं पुलिस की वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन वाहनों का पीयूसी ना है उन पर चालानी कार्यवाही भी करने को कहा है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश, 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी मतगणना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को निर्वाचन सदन भोपाल से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना संबंधी जिलों में की जा रही तैयारियों को लेकर जिलेवर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। श्री राजन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसंबर तक। इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के इस अतिरिक्त चरणों में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन 10 दिसंबर को निर्धारित टीकाकरण बूथों पर तथा अन्य 2 दिन 11 और 12 दिसंबर को घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह अभियान प्रदेश के 16 जिलों में आयोजित होगा। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में NHM मुख्यालय भोपाल में राज्य टास्क फोर्स की पिछले दिनों बैठक हुई थी। कलेक्टर ने नेहरू नगर, रंगमहल, बाग सिवैया, दानिश एवं बिट्टन मार्केट चौराहे का किया निरीक्षण। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज सुबह नेहरू नगर चौराहा, रंगमहल चौराहा, बाग सिवैया चौराहा, दानिश चौराहा एवं बिट्टन मार्केट चौराहा का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल, एडीएम हरेंद्र नारायण सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि इन चौराहों पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे उत्पन्न अव्यवस्था के चलते कई बार हादसे भी देखे गए हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए चौराहों पर चौड़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने एवं जाम की समस्या से निजात पाने के लिए यह आवश्यक है। साथ ही इन चौराहों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। भोपाल गुरु नानक जयंती पर पंजाबी बाग गुरुद्वारे में विशाल समागम। गुरु नानक जयंती के मौके पर पंजाबी बाग भोपाल स्थित गुरुद्वारे में 27 नवंबर को विशाल गुरुमत समागम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कीर्तन दीवान के बाद अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही 25 नवंबर सुबह 9 बजे गुरुद्वारे में अखंड पाठ शुरू किया जाएगा, जिसका समापन 27 नवंबर को सुबह 8 बजे होगा। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ खास खबर। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।